दिवाली मेरे भाइयों, होप करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। तो आज से मैं दोबारा से कोशिश करूँगा व्लॉगिंग करने की। तो आज हैप्पी दिवाली का पावन अवसर है, इसलिए आज का व्लॉग बहुत बढ़िया रहेगा, एंड तक देखना। तो सुबह मैंने सोचा था 6 बजे उठूंगा और फिर बंगला साहिब गुरुद्वारे जाऊँगा पूरा तैयार तो रोके, बट लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि हमारा अलार्म ही नहीं बजा। अब पता नहीं अलार्म बजा या मैं बंद करके सो गया, अब मेरे को कुछ नहीं पता, बट लेकिन मैं नहीं उठ पाया। तो मैं उठा 9 बजे। तो उस 9 बजे उठते ही दिवाली पे लड़कों ने क्या करना होता है तुम सबको पता है ना, सफाई। सजावट तुम्हारे भाई ने कल कर ली थी और सजावट देख लो। मम्मी एक सेकंड आना। और दिवाली की सफाइयां भी मैंने करवा दी थी, पर लेकिन मम्मी हमारी दिवाली की सफाइयां जब हो चुकी थी, मैंने छुट्टी करके करवा दी थी, इतनी मेहनत करी थी, तो फिर आज फिर इतनी सफाइयां क्यों हो रही हैं? तो मैं झाड़ू पोछा वगैरह भी ना होगा, झाड़ू पोछा करूं मैं, तो डस्टिंग भी ना हो क्या ढंग से? डस्टिंग तो करोगे आप। तो एक चीज से मेरे को छुटकारा मिल गया। नहीं, मम्मी ने गुस्से में बोला पहले ही अगर नहीं करूंगा तो चलो। तो दिवाली है इसलिए फटाफट हम कुछ प्लान करेंगे, देखते हैं क्या प्लान करते हैं। अभी फटाफट सफाई करवा दूँ मम्मी के साथ, फोन लगा दूँ चार्जिंग पे, उसके बाद बताते हैं तुम्हें क्या सीन है। तुम्हारा भाई रेडी हो गया पूरा कुर्ता पजामा पहन के, पर लेकिन एक चीज अभी भी मिसिंग है। वेट, अभी पूछता हूँ मम्मी से। मम्मी आपके पास मिलेगी क्या? क्या आपके पास मिलेगी क्या? क्या चीज? जो पहले फेस्टिवल आने से पहले फील आया करती थी, अब तो आ ही नहीं रही ना यार। आज तो फेस्टिवल भी है फिर भी नहीं आ रही। लग रहा है फेस्टिवल है? अब नहीं होता वो सब चीजें जो पहले होता था। अब बेकार हो गया ना सब, पर लेकिन कोई बात नहीं, चल फटाफट तैयार हो जा, हम अपना फेस्टिवल एंजॉय करने चल रहे हैं। हमारा भाई इतना सोना ते सुनखा लग रहा है तो, पर लेकिन एक चीज की और टेंशन है, लोगों की बुरी नजर की। पर लेकिन मेरी माँ मुझे काला टीका लगाएगी तो फिर मुझे लोगों की नजर नहीं लगेगी। मम्मी स्मार्ट बॉय अक्षय, जल्दी ब्लॉग बड़ा होता जा रहा है। इससे क्या होगा? माँ बेटा हो गए हैं जश्न मनाने के लिए रेडी। मम्मी ताला लगाओ फटाफट, मूवी के लिए लेट नहीं होना चाहिए। हम जा रहे हैं मूवी टाइगर 3 देखने। भाईजान की मूवी आई है। लोगों के घर में बहुत लोग होते हैं, हमारे घर में हम 2 हैं। गिर मत जाइयो मेरी तरह। मम्मी का परस अपने घर वालों के साथ एंजॉय करा करो, दुनिया आती जाती है। क्या कह रही हो? देख हम लेट कर रही हो। अगर मूवी के लेट हो गया ना, अगर मेरे को मुकेश गुटका की एड देखने को नहीं मिली ना जो स्टार्टिंग में आती है, तो देख लेना हमारा रिश्ता खत्म। मुकेश गुटका सबसे ज्यादा जरूरी है। मम्मी पानी की बोतल गिर। मुझे तो प्यास लग रही है। मैं प्यास लग रही तो पानी पी के चलते ना। आगे भी तो आप कह रहे हो कहीं जाएंगे? आगे भी कहीं जाएंगे तो गाड़ी में रखने के लिए। हाँ। मैं पिलवा दूंगा यार तुम्हें पानी है तो, पानी की कमी होने दूंगा क्या है? वाटर इनटेक तुम्हारी अच्छी रखूंगा, दिक्कत मत लो। और यार मैंने कुछ लिया नहीं है, कार्ड वार्ड पैसे वैसे कुछ नहीं लिया मैंने। क्यों नहीं लिया? मेरे पास जेब ही नहीं है, क्योंकि ये पकड़ो मैं लेके आता हूँ। नहीं आप जूते डाल के टप टप करोगे। ये देखो यहाँ पे ताला लगाने की कोशिश करो। यही क्यों ताला लगाना है? बाहर का लगा के चल। कौन ही रहता है? कार्ड उठा लो, पैसे उठा लो, 1 करोड़ रुपए। कहाँ है कार्ड? वहीं कहीं होगा। कुछ भी नहीं है? नहीं है। तो फिर मेरी पैंट की जेब में होगा जो मैंने कल पहनी होगी। वो कहाँ है? वो मशीन में। वो होगी मशीन में जो कि आप ही ने डाली होगी। मम्मी देख लेट करा दिया, 12 बजे का शो है, 20 मिनट में पहुंचना है। गाड़ी निकालने में 10.5 मिनट लग जाएंगे। अब क्या कर रहे हो आप? पेंट की जेब खोज रहे हो या?
सोच रहा था फोटो फोटो भी खिंचाऊंगा पर लेकिन लेट इतना कर दिया मम्मी ने। हैप्पी दिवाली। वो देख रहा था क्या कर रहा है। ये भाई मोहल्ले वाले सोचेंगे पागल है ये। कौन देख रहा था? वो तरुण। अच्छा ऑफिस के बाहर आपके फ्री पार्किंग है तो फिर वहां पे खड़ी करके फिर मूवी देखने जाएं क्या? मतलब पैसे बच जाएंगे। सही है। तो मम्मी जैसे कि आज दिवाली है, सुन रहे हो आप मेरी बात? सुन रहे हो? तो कई ढकोसलेबाजी करने वाले लोग आके बोलते हैं कि पटाखे मत छुटाना, प्रदूषण होता है। आप कोई इशू मत करो ना, जिसको जो करना है करने दो, आप बहुत बड़ा इशू क्रिएट मत करो भाई। बहुत बड़ा इशू नहीं, नहीं। तो चलो अपने भाइयों को बता दूं, जो एक भी बंदा अगर मेरा ब्लॉग देख रहा है तो भाइयों आज जैसे कि दिवाली है तो यार ये तो तुम दिवाली के बाद ही ब्लॉग देख रहे होगे ना, पर कोई बात नहीं, मेरे को अपना ओपिनियन शेयर करने की आदत है। तो हमारे श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे, इसलिए जश्न मनाओ जैसे पहले दिवाली मनाते थे बिल्कुल वैसे ही मनाओ। पटाखे अगर नहीं मिले तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ बनाओ, अगर तुम नहीं बना पा रहे जुगाड़ तो तुम कायर हो। इतनी बातचीत नहीं बनाई तुमने जिंदगी में और तुम बैठ के मेरा ब्लॉग देख रहे हो कि तुम पटाखों का जुगाड़ नहीं कर पा रहे। देखो कहीं ना कहीं तो जुगाड़ हो ही जाएगा, ₹4 एक्स्ट्रा ही क्यों ना देने पड़े हर पटाखे पे, पर लेकिन दो। इंजॉय नहीं रुकना चाहिए। चलो यार मूवी के लिए लेट ना हो जाऊं, इंजॉय तुम्हारा ना रोकने के चक्कर में मेरा इंजॉय रुक जाए पता चले, और फिर मम्मी मेरे को मेरी सांस रोक देगी दिवाली वाले दिन। मम्मी की कैडी बातचीत है पीछे, मम्मी का ऑफिस। मम्मी ने एक आवाज मार दी कि यहाँ गाड़ी खड़ी है, कुछ नहीं होना चाहिए। है मम्मी इतनी कैडी बातचीत बना रखी है, अरे कहीं नहीं जाएगी गाड़ी, कुछ नहीं होगा गाड़ी को, टेंशन मत लो। चलो यार मूवी के लिए लेट हो जाएंगे, मूवी के बाद देखते हैं क्या सीन बनाते हैं। My father is the best father in the world. Don't ever go there. भाइयों पिक्चर हमारी हो गई थी खत्म, और पिक्चर थी बहुत ही अच्छी तो नहीं कह सकते पर ठीक थी। हाँ वन टाइम वॉच है आजकल, हर टाइम हर मूवी वन टाइम वॉच है, पर सही थी। तो फिर हम अब आ गए हैं बंगला साहिब गुरुद्वारे, यहाँ कार पार्क करेंगे, मत्था टेकेंगे। क्या बोलो? ऐसे बंदे को ना परेशान कर दो कैमरा सामने लेके आके ना, आधे बंदे शांत हो जाते हैं कैमरा, और जैसे ही मेरे सामने कैमरा आते चाहे मैं कितना भी परेशान हूँ मैं बोलने लग जाता हूँ। ये तो क्वालिटी है, क्वालिटी। भैया गुरुद्वारे में था टेक लिया हमने, अब आ गए हैं घर। ये पता नहीं मुझे पहले बना ली थी कि नहीं, पर लेकिन हम एक बात कर रहे थे कि यार ये सोन पापड़ी को इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया है कि कितने की मिल रही थी? तीन? एक के साथ तीन फ्री। एक के साथ तीन सोन पापड़ी फ्री बताओ। मेरे को तो लगता है बेफालतू में बदनाम टेस्टी होती है यार, है ना, इतनी कोई बुरी नहीं होती सोन पापड़ी। अब भले ही अब सोन पापड़ी इतनी बदनाम हो गई है कि सोन पापड़ी से सस्ती चीज दे दें तो चल जाएगा, पर लेकिन सोन पापड़ी नहीं देना चाहिए। हाँ हमें नहीं दिवाली पे नहीं खाने को मिल रही सोन पापड़ी। दिवाली का मेन मकसद ही वही होता है कि सोन पापड़ी खाने को मिले। सोन पापड़ी पड़ी रहती है, मतलब काफी टाइम हम खा सकते हैं उसको। वी सपोर्ट सोन पापड़ी। आई नो ये काफी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा बट जो है वो है, बच्चे पटाखे छुटा रहे हैं। तो भाइयों अभी पूजा की तैयारी हो रही है। तो भाइयों अभी पूजा की तैयारी हो रही है। हाँ जी पूजा कैसे होती है? पूजा तो चली गई उसके साथ। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? ये गिफ्ट मैं भी देखने जाऊंगा। हाँ। पटाखे कहाँ हैं? पहले पटाखे जलाएंगे, पहले गिफ्ट दे आते हैं। गिफ्ट नहीं, आपके हाथ में गोला बम फोड़ना है आज। कहाँ हैं पटाखे? तो अंदर रखे हैं। कहाँ अंदर रखे हैं? तेरे कमरे में ही है। तो भाइयों ये वीडियो वायरल करने के लिए मैं मम्मी के हाथ में गोला बम फोड़ूंगा। कहाँ है? अबे यार छोटा सा हूं मैं, इतना ऊपर रख रखे हैं। काली पिन्नी में ना सोच गिर गया, मेरी दिवाली बन जाएगी। सो गाइस ओनली फैंस का मैंने नया चैनल शुरू कर दिया है, मैं कपड़े उतार दूँ। हाँ
कहाँ है यार, साले कितने बनने हैं ये। सबसे खतरनाक पटाखे मम्मी और मैं फुलझड़ी जलाएंगे स्पेशली लेके आए। तो भाइयों दिवाली दे दी, जिसको देनी है अभी औरों को भी दिवाली देनी है, और फिर तुम्हारे भाई ने पटाखे छुटाने हैं बहुत सारे। लाइव वीडियो पे बने रहना, छोड़ के मत जाना अंडी मंडी चंडी जो इतने में छोड़ के गया उसकी। तो भाइयों मैं आ गया सुमित भैया के घर दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। सुमित भैया यो हैप्पी दिवाली भाभी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। डोलू का डोलू डोलू आप भी बोल दो हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। भाभी ने कुलचे बनाए, आप टेस्ट करके फूड रिव्यू देते हैं कि कैसा है। पहले जो कुलचे खिलाए थे पनीर वाले तो वो तो बहुत जबरदस्त थे भाभी सच में। अब देख के बताते हैं कैसे है। शिवम आ गया, बहुत अच्छा भाई बहुत अच्छा। शिवम बोल हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अक्षय भाई हैप्पी दिवाली। भाई यार कुर्ता पजामा पहन के आना चाहिए था, त्योहार वाले दिन क्या बन के आ गए? ऐसे नहीं यार, चेंज कर ले, खत्म त्योहार भाई खत्म, अभी तो शुरू हुई है दिवाली भाई। बच्चे बिगाड़ रहे हैं आप भैया। अभी बाहर भी फोड़ने हैं, बाहर में गलत काम नहीं करता केजरीवाल अंकल ने बोला है, ऐसे नहीं करना। केजरीवाल खुद फोड़ेगा हमारे साथ, वो खुद आएगा। सुमित भैया ने बुलवाया है भैया केजरीवाल आ रहा है ना भाई। अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए ठीक है, हमेशा देखो हम रेड बुल पी रहे हैं, ये हमने कोल्ड ड्रिंक के अंदर अपनी रेड बुल मतलब मिक्स कर रहे हैं। सर ब्रांड असली यही है, वो ब्रांड पिया जाता है, ये पिया जाता है। कोई नहीं दिवाली है आज के लिए, सब माफ है ना, सब माफ है ना दिवाली के दिन। मैं तो यार कोल्ड ड्रिंक पीता हूं, पानी यार देख ना कलर देख, वो सात वाली हरी बोतल दिख रही है मेरे को, तो हरी बोतल इन्होंने डाली है ना, वो अपनी उनकी हरी है। नहीं नहीं मैं रेड, हमारी हरी वो है जिम वाले बंदे से, अभी रात को वर्कआउट करना है यार जाके। कौन से वाला, कौन से वाला वर्कआउट? वही वाला, वो वाली कैलोरीज बर्न करनी है बहुत ज्यादा, अभी बढ़ा रहा हूं थोड़ी सी, कर दूंगा। मैंने मैंने तिनेरा जी कहते पोल्यूशन में बजाओ, आज सुधा आज तिनेरा जी ने बम फोड़ा है, शक्ल देख लो इनकी, ये ऐसी तो करते हैं। ये वही चेहरा है जो उसके पीछे मिलता है, ये ले ले ये भाई कहीं भी जाएगा, एक एक बैग डब्बे डब्बे में डाला मैंने। कल चलेगा जितने बम हो सके उतने फोड़ो, बम अच्छे होते हैं, बम बच्चे होते हैं और बच्चे सच्चे होते हैं। क्या भाई अलग ही बात बोलते हैं भाई, साडा काम भी यार गल्ला लगा दिया, बात हो गई, बात हो गई, पैसे हैं गल्ला दे पैसे ने, जे गल्ला नहीं बोले तो की कीता। हां पता नहीं अस्तान ने मुक जाना, पावे रोज मालछा करिए, रोटी हक दी खाइए जी, पावे रोज मालछा करिए। ऐसी ऐसी बातों की तो दुनिया में बंदे चलते, मां हुंदी है मारशा दी छा हुंदी है, मां ता मां हुंदी है मारशा दी छा हुंदी है। ओ जलाउने का कर रहे हो दूरा, फिर मिट्टी चक्की मथे नाल मिलाई, छोटे छोटे बच्चियां विच मैं देखी मेरी, देखी मेरी परछाई, आज भी मेनू मान है मां कि मैं हां तेरा जाया। अरे ये कैसी एंडिंग हो गई, दिल जाते।
जिथे जमे जिथे पलिया उस मिट्टी ने मैनू बुलाया मां दिता लंबा सीने भाई पिक्चरों पिक्चरों में जाओ कहाँ पे क्या कर रहे हो सर यार दुनिया भी पिक्चर है वैसे बैठ के लोड़े हो जाते हैं सब गांड मारने के लिए तैयार रहते हैं बहुत सड़ गया हमारा बाप ये है हमारा बाप ये है सब हवा में आज कल दिल्ली के लौंडे तो क्या इधर इधर जी ने आज वो बात बोल दी है ले जाओ ये क्या कह रहे हो बस करो हैप्पी दिवाली बोल रहा हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली ये पूरा पूरा जोश है अंकल ही है जिसके हम राज में हम जी रहे हैं ठीक है और ये बीएफ लोग इनके दम पे जी रहे हैं क्या बात है ये बात है अब समाप्ति कर दो ब्लॉग ब्लॉग की हैप्पी दिवाली बोल के ब्लॉग की समाप्ति है हैप्पी दिवाली ठीक है ऑल ऑफ यू ठीक है और भगवान आपको दिन दुनी रात चुनी तरक्की करे ये अंदर मेरी तरफ से आप सबके लिए है थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच थैंक यू